मुझे स्वादिष्ट अच्छा खाना चाहिए। ये देखो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये पैनकेक्स हैं। ओह, मैं ये बना सकती हूँ। चलो शुरू हो जा। यह डार्क स्पैचुला वही है जो मुझे चाहिए। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है। अब मैं कुछ स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाने जा रही हूँ। मेरा स्पैचुला, बढ़िया बैटर। इसे इस तरह पैन में डालना है और निश्चित रूप से इसे पलटना भी है। यहाँ, पहला तैयार हो गया। बहुत अच्छा। अगला, मुझे सफेद पसंद नहीं है। थिंग, मेरा फेवरेट पेंट लाओ। कितनी अजीब बात है। यह बेहतर है, धन्यवाद। मैं थोड़ा डाई डालूंगी और इसे मिलाऊंगी। हाँ, इस तरह से, बढ़िया। अब फ्राइंग पैन। बहुत सुंदर। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब मैं एक अलग सा पैनकेक बनाने जा रही हूँ। आउटलाइन, और अब हम अंदर भरेंगे। ओह, क्या गड़बड़ है। ए, कुछ अटक गया था। उफ, यम्मी। वैसे बहुत स्वादिष्ट है। ओह, और ज्यादा रंग। और अब इसे पलट देना है। यह अद्भुत है। मेरे पास सब कुछ तैयार है। चलो थोड़ी सिरप लेते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाओ, काले पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ओह, उसने क्या बनाया है? ओके। लाल एकदम सही है। मैं इसे इस तरह मोटा कर दूंगी और मैं मकरियों के साथ सब कुछ सजाऊंगी। ओह नहीं, हो गया। ये लो, खाओ। मेरे यूनिकॉर्न को ट्राई करो, ये स्वादिष्ट है। किस तरह के पैनकेक्स निकले? देखो, मेरा भी ट्राई करो। वाओ, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह क्या है? हमें मकड़ियों से छुटकारा पाना होगा। हाँ, चलो ट्राई करते हैं। मुझे आशा यह खतरनाक नहीं है। और यह स्वादिष्ट निकला। और मुझे अगला यूनिकॉर्न ट्राई करना है। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं पूरा खाना चाहती हूँ। यह बहुत अच्छा है। अब मैं ये ट्राई करूंगी। अद्भुत। हाँ, ये सबसे अच्छे हैं। हाँ, मैं जीत गई। मैं अभी इसे खत्म कर रही हूँ। और तुम इसे कैसे संभालोगी? ठीक है। अब सोने का समय नहीं है। थिंग, उसे जगाओ। फ्रेंच फ्राइज, मैं इसे भी तुरंत तैयार कर दूंगी। तो पहले मैं आलू छीलूंगी। कितनी अच्छी एक्टिविटी है, बहुत बढ़िया। वाह, मैं यह सब कितनी जल्दी करूंगी। उप्स, माफ कर दो। तो सब कुछ तैयार है। बोर्ड पर इसे रख देती हूँ। बस जल्दी इसे काट देती हूँ। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। आलू का एक पूरा पहाड़। और अब इसे इस बाउल में डालते हैं। बहुत सुंदर। चलो अब इसे हिलाते हैं थोड़ा और। वाह, कितना सुंदर रंग है। थोड़ा हरा, पीला, चलो सभी रंग लेते हैं। और अब इसे तला जाना चाहिए। अधिक तेल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सही। अब इस सारी सुंदरता को फ्राइंग पैन में डालना बाकी है। अब इसे बाहर निकालते हैं। हम इसे खूबसूरती से फैलाएंगे। वाह, मैं एक विशेष चाकू लूंगी। यह कितना सुंदर होगा। स्लाइस में काटना होगा। सब कुछ तैयार है। मैं फ्राइंग पैन में अधिक तेल डालूंगी ताकि आलू सही से पक जाए। मैं एक ही बार में सब कुछ डाल दूंगी, इस तरह से। बहुत बढ़िया, सब कुछ तैयार है। मैं इसे एक प्लेट पर रखूंगी। और हाँ, सॉस। ओह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। मेरे आलू तैयार हैं, लेकिन उनमें रंग की कमी है। और यह क्या है? यह कौन है? मुझे अपना चेहरा साफ करना होगा। यह पूरा काला हो गया। ओह, वेंसडे, क्या यह तुम हो? अब तुम क्या करने वाली हो? मैं इसे पेंट करूंगी। अब यह सुंदर है। यम्मी। देखो यह कैसा लग रहा है। मेरे डिश को चख कर बताओ। जल्दी ट्राई करो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? और यह क्या है? मैं इसे सॉस में डुबोती हूँ।
पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। बहुत बढ़िया, लाजवाब। ओह, यह भी स्वादिष्ट लग रहा है। यम यम, वाह, बुरा नहीं है। ये बहुत अच्छा था। और हमारे पास यहाँ क्या है? ओह हाँ, कितना स्वादिष्ट है। मैं ये सब खाना चाहती हूँ। ओह, ये फिट नहीं हो रहा है। ओह हाँ, और स्वाद बहुत ही अच्छा था। मुझे यह चाहिए। वहाँ क्या है? एक चीज बर्गर। ओह हाँ, मैं तैयार हूँ। ओह, चिंता मत करो, यहाँ ये बन है। एक फ्राइंग पैन में एक सेकंड तल दिया। अब इस मीट को लेना है। मैं एक कटलेट बनाऊंगी और इसे फ्राइंग पैन में डाल देती हूँ। बस यह बन गया, एक सुंदर जूसी कटलेट। ऊपर थोड़ा सा चीज की जरूरत है। सलाद, कटलेट और चीज बर्गर सब तैयार है। बन तो बोरिंग होता है, मैं किस चीज से बनाऊं? ओह, यह रहा कैंडी। मुझे तो यही चाहिए, डोनट्स। स्वादिष्ट। मैं एक लेकर इसे काट देती हूँ। यम यम यम। यह हटा दिया और अब मैं ऊपर एक चॉकलेट बार डालूंगी और जेल भी। मुझे यह ट्राई करना है, यह बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना खट्टा भी है। मैं इसे चॉकलेट पर डालती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा मार्शमेलो। यह कितना सुंदर है। अब इसमें गमी स्ट्रिप्स और स्ट्रॉबेरी सॉस और यह रहा वो डोनट का डोनट। देखो कितना मस्त लग रहा है। मैं कटलेट और बन को सेक लूंगी और मैं चीज से दांत बनाऊंगी। ये एक बहुत सुंदर मॉन्स्टर होगा। इसमें पिकल्स की कमी है और थोड़ा लाल रंग। मैं बन में छेद बनाकर उनमें थोड़ा मेयोनेज भर रही हूँ। आंखें कहाँ से लाऊं? हाँ, मिल गया। थिंग, वो लेकर आओ। कितना डरावना है, मेरी आंखें ले गया। बस मुझे यही चाहिए था। अब मेरी मास्टरपीस पूरी हो गई है। स्वादिष्ट लग रहा है, जरा इसे देखो। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट चीज बर्गर है। देखो, मेरा बर्गर तो तुम्हें पुकार रहा है। ओह, वे सभी कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए मैं तुरंत खाना शुरू करती हूँ। ओह, इसका स्वाद कैसा है? ओह, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ क्या है? एक साधारण चीज बर्गर। ठीक है, मैं चक्कर देखती हूँ। खैर, ठीक ही है, कुछ खास नहीं। और यह कितना शानदार बर्गर है, सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? यह वाला, यह जीतता है। ऐसा कैसे? अब अगला टेस्ट में क्या है? अब मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए ऐसा कॉकटेल बनाओ, चॉकलेट वाला। यह आसान है। तो वहाँ क्या है, हमें देखने की जरूरत है। मुझे टास्क मंजूर है, मैं अब सब कुछ तैयार कर लूंगी। वो कहाँ है? मैं और दूध लूंगी। हाँ, ज्यादा। और अब कोको। अब मुझे इसे मीठा बनाने के लिए और भी चाहिए। मैं इसे अच्छे से हिलाऊंगी। एक समृद्ध स्वाद के लिए एक सीक्रेट चॉकलेट डालूंगी और फिर से सब कुछ अच्छी तरह मिला दूंगी। मेरा फेवरेट मग इस अद्भुत ड्रिंक के लिए उपयुक्त है। यहाँ, यह हो गया है। क्या करूँ मैं? ओह, स्वादिष्ट चॉकलेट। स्वादिष्ट। हाँ, यह मेरे लिए सही है। मुझे चीनी डालना होगा। क्या तुमने बहुत ज्यादा नहीं डाल दिया है? हाँ, बिल्कुल सही, हमें अधिक चीनी चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट होगा, और ज्यादा। हमें दूध चाहिए। ओह, ये नहीं खुल रहा है, हमें इसे खोलना होगा। ओह, बेचारी। कभी कभी ऐसा होता है। स्वादिष्ट। तो दूध और थोड़ा डाई। क्या सुंदर रंग है, मुझे गुलाबी बहुत पसंद है। मैं सब कुछ बहुत खूबसूरती से करूंगी। मैं इसके किनारे को डिप करूंगी और थोड़े स्प्रिंकल्स। कूल। अब इसमें कॉकटेल डाल सकते हैं। पूरा नहीं भरना है क्योंकि मैं क्रीम डालना चाहती हूँ। स्वादिष्ट, बहुत सारी क्रीम और अधिक स्वादिष्ट सजावट। एकदम सही,
अरे थिंग, मुझे इसकी जरूरत है। क्या? यह सिरप जाहिर है लाल। मैं इसमें एक कप डुबोऊंगी इस तरह से। और हाँ, इसे सुंदरता के लिए ऊपर डालना होगा। ऊपर से थोड़ा कॉकटेल और क्रीम। मैं इसे चमगादड़ और एक स्ट्रॉ से सजाऊंगी इस तरह से। okay. यह तैयार है। तैयार? देखो मेरे पास कितना स्वादिष्ट कॉकटेल है। लाजवाब, सब तुम्हारे लिए। मेरे ड्रिंक को चखो। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? यह वाला बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे पहले पीना चाहती हूँ। क्रीम, क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। और खुद कॉकटेल के बारे में क्या ख्याल है? बहुत स्वादिष्ट, लाजवाब। और यहाँ क्या है? ओह, यह दादी का बनाया हुआ ड्रिंक है। मैं ट्राई करूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। और यह कुछ अजीब है। क्या यह भी कॉकटेल है? यहाँ क्या है? चमगादड़ों को हटाना होगा। वे कितने बुरे हैं। ओह, मुझे डर लग रहा है। मैं ट्राई करती हूँ। वाह, स्वाद बहुत अच्छा है, कमाल का। और हमारे पास विनर है। यहाँ यह कॉकटेल। हाँ, सबसे पहले मुझे तले हुए अंडे चाहिए। यह किया जाएगा। हम इसे करेंगे। अरे, हम शुरू भी कर भी चुके हैं। ओह हाँ, मुझे नींद आ रही थी। ओह यह नहीं है, मुझे तेल चाहिए। हाँ यह। हनी, मुझे लगता है यह काफी है। अंडा पकड़ो। धन्यवाद दादी। तले हुए अंडे तैयार। यह अच्छा है। ओ, ओ, मैंने अलार्म क्यों सेट किया? ओह हाँ, दादी के लिए अपनी दवा लेने का समय है। बहुत अच्छा। यदि मैं ब्रेड में छेद करती हूँ तो क्या होगा? ओह ब्रावो, मैं कुछ ब्रेड खाऊंगी और मैं यहाँ एक अंडा डालूंगी। केवल नमक जोड़ना बाकी है। थोड़ा धैर्य रखो बेबी। दादी अभी सब तैयार करती है। एक परफेक्ट ग्लेज के लिए मुझे योक को व्हाइट से अलग करना होगा। मेरी मछली इसके साथ एक बढ़िया काम करेगी। अब मैं प्रोटीन को एक सिरिंज में डालूंगी और उन्हें रंगों को जोड़ने के लिए कटोरे में डालूंगी। एक मास्टरपीस बनाने के लिए कुछ अलग करना जरूरी होता है। मेरी पेंटिंग का बैकग्राउंड हरा होगा। अब मैं फूलों को काट दूंगी और उन्हें रंगीन प्रोटीन से भर दूंगी। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है। असली फूलों की तरह बीच में पीला होगा। ओह कितना सुंदर है। मैं चेरी टोमेटो और पार्सली के साथ डिश को सजाऊंगी। फूल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे अच्छा डिश वह है जो प्यार से पकाया जाता है। दादी अपने पोते को खुश करना जानती है। ओह ओह, आग! अरे बच्चे, जल्दी उठो, तुम्हारा डिश जल रहा है। गर्म स्टोव से सावधान रहो। ओह बकवास, यह क्या हो गया? मुझे जले हुए अंडे परोसने होंगे। मैं केचप डाल देती हूँ, यह काम कर सकता है। आह, मुझे नहीं लगता। हम तैयार है। ओह, यह खाने लायक नहीं है। माफ करना बेबी। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, यह सच्ची में स्वादिष्ट है। मैंने कोशिश की थी। वाह, धन्यवाद दादी। वाह वाह, यह कूल है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। शेफ जीत गई है। मैं अपना काम करना जानती हूँ। और अब मुझे एक बोतल में जेली चाहिए। दोस्तों, हमारे पास एक नया चुनौती है। हम सुन रहे हैं, एक बोतल में जेली। बढ़िया चॉइस, शेफ ऐसा करेगी। यह क्या है? यह मैंने पहली बार देखा है। ओह, मैं देख रही हूँ। यह अच्छा है कि मेरे पास कोला है। अब मैं थोड़ा पी कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट। आउच, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अरे, हम पर क्यों? ओह, बच्चे के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या करूँ? आइडिया, मैं बोतल को नट कैंडी से भर दूंगी और उनके साथ मीठा सिरप डाल दूंगी। और जेली को तेजी से जमने के लिए मैं एक फ्रीजिंग स्प्रे का उपयोग करूंगी। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, यही मुझे चाहिए। वाह, यह काम किया। अरे मेरी बच्ची, कोला हानिकारक होता है। शहद ज्यादा मीठा और हेल्दी होता है। मैं इसे बर्फ में डाल दूंगी और यह जेली को बाहर कर देगा। तुम्हें यह कैसा लगा?
अब प्रोफेशनल को अपना काम करने दो। कोला के लिए एक ही तरीका है, फ्राइंग पैन में डालना और जेली कोला उसको कंपनी देंगे। केवल जिलेटिन और ग्लिटर जोड़ना बाकी है, यह अच्छा होगा। पानी के साथ ड्राई आइस जल्दी से कोला को ठंडा कर देगी और इसे जेली में बदल देगी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा आइडिया है ना? ओ वाह, हाँ मस्त कोला जेली से मिलो। वाह, ओ हमारे पास भी सब कुछ तैयार है। हुर्रे, मैं इसे आजमाने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं दादी की जेली से शुरू करूँगा। चलो देखते हैं। बुरा नहीं है। ओह धन्यवाद मेरा बच्चा। वाह कोला जेली जैसा कि तुमने चाहा था। कूल, यह कमाल का है। मेरी बहन ने क्या बनाया है? यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह यह कैंडी के साथ है। वाओ क्या तुम्हें यह पसंद आया? अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट, तुम जीत गई हो। ये मैंने कर दिखाया। क्या एक नया असाइनमेंट? तुम क्या चाहते हो बेटा? मेरे लिए एक डोनट बनाओ। हाँ बिल्कुल। ओह डोनट, हाँ यह आसान है। अच्छा ठीक है, तो तुम क्या कर रही हो? मेरे जैसा ही। ओह जब तक वे दोनों इसे सुलझा रहे हैं, मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक ओरियो डोनट बनाऊंगी। ओह यह कैसा शोर है। ओह माफ करना, मैंने थोड़ा ज्यादा किया। अब मैं न्यूटेला डालूंगी और इसे कुकीज के साथ अच्छी तरह मिलाऊंगी। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं तैयार मिक्सचर को एक वॉफल आयरन में डालूंगी और मुझे सुंदर डोनट्स मिलेंगे। ओह वाह अच्छा किया, बढ़िया आइडिया है। शुक्रिया दादी। दादी भी एक वॉफल आयरन का उपयोग करेगी, बस बैटर डालना है। बैटर अच्छा है, लेकिन फिलिंग के बिना किस तरह के डोनट्स? मैं उन्हें स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ भरूंगी। मुझे यकीन है कि बच्चा इसे पसंद करेगा। अब मैं उन्हें आइसिंग और स्प्रिंकल से सजाऊंगी। हाँ यह बहुत स्वादिष्ट होगा। ओह मैं प्लेट के बारे में भी नहीं भूलूंगी। मैं चॉकलेट डालूंगी। हाँ ऐसे, और बस खूबसूरती से उस पर डोनट्स बिछाऊंगी। ताराम परफेक्ट। और दादी अपने डोनट्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ी चीनी भी डालेगी। वाह, अरे इसे मत छुओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। ओह ठीक है, मैं पूरी तरह से भूल गई थी। धन्यवाद दादी, यह उन्हें बाहर निकालने का समय है। मुझे लगता है कि मैं और न्यूटेला जोड़ूंगी। मैं पक्का जीतने वाली हूँ। मैं सहमत हूँ। बेबी यहाँ डोनट्स है। ओह मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह ब्रावो शेफ, धन्यवाद। अगला डोनट दादी का है। ओह ये बहुत अच्छा है, खाओ बेटा। वाह न्यूटेला डोनट्स, मैं इसे पसंद करता हूँ। कोई शब्द नहीं है मेरे पास। वाह मेरी बहन जीत गई है। अरे मैं जीत गई। ओह अच्छी लड़की। आपको अगला काम पसंद आएगा, मुझे एक वॉफल चाहिए। यह किया जाएगा बच्चे, एकदम आसान है। अरे दादी के लिए रास्ता बनाओ। स्वादिष्ट बैटर बनाने के लिए मुझे सबसे अच्छा आटा, दो अंडे, मक्खन और चीनी की जरूरत होगी। बढ़िया, मुझे दूध पसंद है। हाँ यह दूध, यह स्वादिष्ट है, हम इसके बिना नहीं बना सकते। बस मुझे एक विस्क दो और दादी मस्त खाना बनाएगी। शांत हो जाओ दादी, इतना हिलने की जरूरत नहीं है। मैं बैटर को मोड्स में डालती हूँ और अब रंग हमेशा उनके साथ ज्यादा मजेदार होता है। हाँ बहुत बढ़िया। वाह तुम एक असली प्रोफेशनल हो। और मैं बैटर को वॉफल आयरन में डाल दूंगी। समय बर्बाद क्यों करे, मेरा वॉफल बन रहा है। क्या ये अभी तैयार है? थोड़ा और इंतजार करना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा। अरे वाह यह कितना गर्म है, लेकिन तैयार। ओ वाह बढ़िया किया मेरी पोती। जब तक कोई भी नहीं देख रहा है, मैं खा कर देखूंगी कि यह कैसा निकला। वाह यह कितना स्वादिष्ट है, मैं खुद को रोक नहीं सकती। मैं बच्चे के लिए एक नया बनाऊंगी और मैं इसे खुद खत्म कर दूंगी। चिंता मत करो दादी। क्या?
क्या हम इसे एक साथ कर रहे हैं? हाँ, केवल मेरा वॉफल रंग बिरंगा होगा। देखो कितना सुंदर है। अच्छा काम, तुम जीनियस हो। धन्यवाद। ओह स्वादिष्ट। ओप्स, क्या तुमने फिर से सब खा लिया? हाँ, शांत हो जाओ। अरे नहीं, बैटर खत्म हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरे पास अभी भी नूडल्स है, यह बैटर की जगह लेगा। अच्छा आइडिया है। बहुत दिलचस्प। और मेरा वॉफल तैयार है, यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे दो हिस्सों में करूंगी और उन्हें क्रीम से सजाऊंगी। यह एक इंद्रधनुष बन गया और प्रभाव को बढ़ाने के लिए मैं स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। वोइला, बहुत सुंदर। अरे वाह। प्लीज मुझे चॉकलेट आइसक्रीम दो मेरे बच्चे। मुझे यकीन है मेरा बेटा खुश होगा। मैं आइसक्रीम को वॉफल पर रखूंगी और पाउडर के साथ छिड़कूंगी। वाह कितना अच्छा। और मैं वॉफल को स्ट्रॉबेरी से सजाऊंगी। दादी सबको खिलाएगी। अच्छा काम। वाओ, मेरा नूडल वॉफल भी तैयार है। मैं पाउडर जोड़ूंगी और हम बच्चे को ट्रीट दे सकते हैं। ओह कूल। यह क्या है? यह डरावना लग रहा है, लेकिन मुझे चक्कर देखना होगा। यह बुरा है, मैं ऐसी चीज नहीं खाऊंगा। ओह इंद्रधनुष, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह आइसक्रीम, यह सबसे अच्छा है। दादी जीत गई। आखिरकार विक्ट्री डांस। बच्चे को खिलाओ, चुनौती शुरू होती है। अब बच्ची गर्म पैनकेक्स का ढेर खाना चाहती है। खैर पैनकेक्स बनाना आसान है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर गूंथ लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स को तैयार कर रहे हैं। लेकिन बहन ने कुछ असामान्य के साथ बच्चे को खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है। पैनकेक्स बहुरंगी हो जाएंगे। वह उनमें से एक इंद्रधनुष बना देगी। यह बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से स्वादिष्ट मार्शमेलो और रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ देगी। और अब इंद्रधनुष पैनकेक्स का एक पहाड़ तैयार है। दादी मक्खन और शहद के साथ साधारण पैनकेक्स बनाती है, सरल लेकिन वर्षों से सिद्ध। दादी की पैनकेक्स रेसिपी किसी को भी दुखी नहीं छोड़ेगा। पैनकेक्स के लिए शेफ का अपना नुस्खा है। वह एक पोस्ट अंडा बनाती है और फिर हैम के स्लाइस लेती है और उन्हें पैनकेक्स की लेयर्स के बीच रखती है। ये बहुत सुंदर निकला। सजावट के रूप में साग का उपयोग कर सकते हैं और तैयार डिश के ऊपर पोस्ट अंडा डाल सकते हैं। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी। लाभ और विटामिन का सही संयोजन और एक बड़े हिस्से के साथ भी। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों के डिशेस की सराहना करने का समय है। किसका पैनकेक्स उसे सबसे ज्यादा खुश करेगा? चखने की शुरुआत दादी के पैनकेक से हुई। बेशक वे अच्छे हैं। इंद्रधनुष पैनकेक्स आगे है। वे बस स्वादिष्ट है, खासकर मार्शमेलो के साथ। शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं, लेकिन वे स्वाद में पूरी तरह से गंदे हैं। पोस्ट अंडे की कच्ची चर्बी उससे बह रही है। बच्चे ने इस डिश की सराहना नहीं की और इस दौर में जीत बड़ी बहन के इंद्रधनुष पैनकेक्स को जाती है। हम अपनी कलिनरी चुनौती को जारी रखते हैं। बच्ची का अगला ऑर्डर एक क्रोसेंट है। फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ते के लिए कॉफी के साथ एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी क्या अब फ्रांस से है? उसने पहले ही उन्हें बनाया है या बल्कि तैयार आटा खरीदा है और अब क्रोसेंट को गर्म ओवन में रखती है। और बहन किस स्वादिष्ट चीज के साथ आई है? वो अभी ओवन में क्रोसेंट को डालती है, लेकिन जरा देखो कि उसने डिश के लिए कितने मीठे चीज तैयार किए हैं। लेकिन शेफ फ्रोजन आटे से कार्बोहाइड्रेट को पसंद नहीं करती है। आखिरकार वो जानती है कि सबसे अच्छे डिश वे हैं जो अपने हाथों से प्यार से तैयार किए जाते हैं। वैसे हमारे शेफ ने पेरिस में सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है।
इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई खुद के लिए डिश तैयार करते थे, या बल्कि जो कभी फ्रांसीसी राजा रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्चे में शाही क्रोशांत का इंतजार कर रही है। बहन और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देखते हैं। उसने कितनी चतुराई से आटा गुथा, उसे लेयर्स में बिछाया और इसे अच्छे से मोड़ दिया। वाह, क्या कौशल है। यह ओवन में क्रोशन को डालने का समय है। वह उन्हें तेल में नहीं बल्कि पार्चमेंट पर बेक करेगी, इसलिए क्रोशन और हेल्दी हो जाएगा। खैर ठीक है, बढ़िया कुकिंग स्किल्स। मुझे आशा है कि आपको इन क्रोशन की रेसिपी याद होगी। सिस्टर रॉयल क्रोशन रेसिपी का जवाब तुम कैसे दोगी? हाँ, न्यूटेला एक बढ़िया विकल्प है। मुख्य बात सब कुछ खुद खाना नहीं है, बल्कि डिश के लिए थोड़ा छोड़ना है। दादी के क्रोशन तैयार है, बस ध्यान से ओवन से बाहर निकालना बाकी है ताकि वे जल न जाए, और तैयार डिश में टॉपिंग डाले। ओह, वहाँ क्या चल रहा है? बहन न्यूटेला में इतना खो गई है कि उसके क्रोशन जल गए हैं। जी हाँ, चॉकलेट नट का पेस्ट वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले क्रोशन को कैसे सर्व करें, और जलने की गंध के साथ भी सब कुछ बर्बाद हो गया। बस शेफ के क्रोशन को देखो, अविश्वसनीय रूप से चमकदार और आकार एकदम सही है। एक साफ कट, और शेफ अपनी खुद की तैयार क्रीम अंदर डालती है, और अंत में वह सजावट के रूप में कुछ बेरीज जोड़ती है और ऊपर से पीसी चीनी छिड़के। क्या हम फ्रांस में हैं? यह डिशेस को आजमाने का समय है। दादी से क्रोशन का स्वाद बहुत अच्छा है, हालांकि वे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। वाह, और ये सिर्फ एक मास्टरपीस है। बिना किसी शक के शाही नुस्खा के अनुसार क्रोशन पहला स्थान लेता है। बच्ची उनकी वजह से अपनी बहन से तीसरी डिश ट्राई करना भी भूल गई है, और ये अच्छा है कि उसने नहीं किया। हम चुनौती जारी रखते हैं क्योंकि एक नया काम आने वाला है। बच्चा एक विशाल रसदार स्टैक खाना चाहती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैन को अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए और उसमें तेल डालना चाहिए, लेकिन इतना नहीं बहन, और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, और इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। वो खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती। शेफ अब तुम्हें क्लास देगी। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि फ्राइंग पैन को मिस ना करें। जब मीट की बात आती है तो सिस्टर आश्चर्यजनक रूप से एब्सेंट है। अब इसे पलटने के लिए टुकड़े को टॉस करें, तवे पर दूसरी तरफ, फर्श पर नहीं। लेकिन फिर दादी को यह सब साफ करना होगा। बहन, आगे तलने से पहले मीट के टुकड़े से बाल और गंदगी निकालना मत भूलना। इस बीच वह स्टेक पकाने में सक्षम थी, और उसने इसे जलाया भी नहीं। शेफ के साथ बिताया गया समय व्यर्थ नहीं गया था, लेकिन कुछ गायब है। बेशक मुझे हाइंस केचप जोड़ना होगा, जो स्टेक के साथ अच्छा लगता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी होगा। दादी का यह मानना नहीं है मीट में बस नमक की जरूरत है। आखिरकार अपने रस में पकते हुए यह पहले से ही काफी स्वादिष्ट और नरम हो गया है, और ऊपर सुगंधित रोजमेरी की एक टहनी। लेकिन शेफ नोस्ट्रेट गोक्से से प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर ने खुद भी इसे खाया है, और हमारी बच्ची खाएगी। वाह, एक असली सुनहरा स्टेक है, जैसे दुबई रेस्तरां में। वाह, क्या पेच है। जब यह प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक को खाएगी तो मैं बच्ची का चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। तो यह उसके लिए डिश आजमाने का समय है। केचप के साथ मीट उसे उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन दादी का रसदार स्टेक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट निकला। सरल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। वाह, यह क्या है, गोल्डन स्टेक। यह सुंदर है, लेकिन क्या वह इसका स्वाद पसंद करेगी? मुझे नहीं लगता कि उसे यह पसंद आएगा। कमाल है, लेकिन दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। एक कहावत है कि सरल चीजें ही सभी को पसंद आते हैं। इस बार चुनौती के प्रतिभागियों ने पूरी तरह से तैयार है। आखिरकार अब बच्ची सुशी खाना चाहती है, तैयार करने के लिए एक लंबी और मुश्किल डिश। शेफ को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं लगता। उसने सुशी के लिए एक विशेष चावल खरीदा, और अब वो जल्दी से इसे एक राइस कुकर में पकाएगी। यह बहुत आसान था, लेकिन बहन को राइस कुकर की आवश्यकता नहीं होगी, न ही चावल, न ही नोरी शीट्स की।
आखिरकार वह सूसी को मीठी और खट्टी हरी बो रिबन से बनाएगी। इसमें गमी बार डालेगी। ओह यस। हाँ, इस तरह से। और अब इसमें जेली आंखें डालना है। वो अपनी दादी को ठीक से डराएगी। और सूसी को अपनी आंखों से सजाए। या कितना कूल और रसीला निकला। और वसाबी के बजाय वह हर्षी चॉकलेट सॉस के साथ डिश को तैयार करेगी। वाह, रंगीन मीठा सुशी। वाह, मुझे जानना है कि क्या समुराई ने भी ऐसी डिश खाई थी। वैसे भी यह खूबसूरती से निकला। मीठा सुशी वही है जो आपको एक बच्चे के लिए चाहिए। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन शेफ ने एक बार जापान में मीजी राजवंश के शाही दरबार में काम किया था। सूर्योदय के समय वह शोगुन के निवास के पास स्थित रसोई में गई। उसने नोरी की एक शीट और मैट्स निकाली। वह उन पर माउंट फूजी के पास झरनों से निकाले गए पवित्र पानी में पहले भींगे हुए चावल फैलाती है। वह शाही बगीचे से एवोकाडोस लाई थी और मछुआरों को निवास के बगीचे में तालाब से उसके लिए सबसे ताजा ट्राउट मिला। शेफ ने फिलाडेल्फिया रोल को रोल किया, उन्हें प्लेटों पर डाला और उन्हें नाश्ते में राजा को दिया। मीजी राजवंश के राजा ने उन्हें खा लिया और फिर काम करने चले गए। अब वह इस रेसिपी से बच्चे के लिए इम्पीरियल फिलाडेल्फिया रोल अपने साथ लाई है। हाँ, लेकिन दादी सुशी को इतने अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन वो कुछ और लेकर आई है। पूरी फिलिंग को खीरे में भरा जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से अपना आकार रखती है। ऊपर मछली रखो और बस खीरे के टुकड़ों में काट लो और वायला, खीरा तैयार है। अब खाओ बेबी, जिसकी सुशी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। खीरे के रोल अजीब लगते हैं, तुम उन्हें खाना भी नहीं चाहती। What? शेफ के रोल बस स्वादिष्ट है, जैसे सबसे अच्छे रेस्तरां से आए हो। बस वही जो बच्ची ने ऑर्डर किया। ओह यस। वाह, वह आँख कितनी मजेदार लग रही है। वाह, वो मीठे स्वाद का है। बच्ची सच्ची में इसे पसंद करती है। एक स्पष्ट एडवांटेज के साथ यह दौर बहन द्वारा जीता जाता है। इसे जारी रखो।